नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। नोखा रोहतास दक्षिणी बराव पंचायत के मुखिया अनिशा कुमारी के द्वारा अपने पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत मशाल जुलूस निकाला गया है। पूरे गांव में गलियों में घूम घूम कर बताया गया कि खुले में शौच नहीं करना है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया। मशाल जुलूस में उपस्थित हुए मुखिया प्रतिनिधि विवेक सिंह, उप मुखिया अवधेश कुमार, वार्ड सदस्य गांधी जी, राकेश कुमार, बीरबल राम, विकास कुमार, संजीव कुमार, भरत जी, जितेंद्र कुमार, पप्पू शर्मा, ग्रामीण जनता मौजूद थे। मुखिया महोदया जी, आप इस पंचायत के माननीय मुखिया महोदया है दक्षिण बरा पंचायत की, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो खुले में शौच मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, इससे आप मशाल जुलूस निकलवा कर, स्वच्छता मशाल जुलूस निकलवा कर जनता को क्या शुभ संकेत देना चाहती हैं? जनता को यही देना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो इधर उधर गंदगी फैल रहा है वो साफ रहे, वो ना करे। हम पैखाना बनवाने के लिए तैयार हैं, करेंगे तो रोड पर कोई गंदगी ना फैले। आज गंदगी फैलेगा तो रोग फैलेगा, बीमारी फैलेगा, इसलिए सर सफाई जरूरी है। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। ना इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विवेक जी से, अब आपसे मैं यही कहूंगा कि दक्षिण बड़ा पंचायत की महिला मुखिया है, आप इनके अभिभावक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आप किस तरह अपने पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराएंगे या मशाल को किस तरह जनता को संकेत देना चाहते हैं? चाहते हैं दक्षिणी बराव के अपने सभी वार्डों से प्रार्थना है कि अपने अपने गांव और हम पूरा मुखिया और मुखिया पति और पूरे कर्मचारी हमारे ब्लॉक साहब से प्रार्थना है कि खुले में शौच ना करें, और वार्ड लोग अपने मेहनत पर लग जाए कि बाहर से जो भी और से आदमी लाइटिंग कर रहे हैं बाहर में, उसको या तो लाइटिंग नहीं है उसको बनवाने का कष्ट करें। हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, ब्लॉक से भी सब कुछ लगा हुआ है, इसमें सभी मदद करने के लिए लगे हुए हैं। और प्रार्थना ये कि अगर खुले में स्वच्छ होगा करेगा तो इससे बीमारी फैलेगी, इसलिए हम लोग जनता को, दक्षिणी बराव को जनता को समझा रहे हैं कि खुले में स्वच्छ न करें, लाइटिंग बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और इसमें प्रयास में लगे हुए हम और हमारे सभी वार्ड सदस्य।